हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए प्री टेट यूपी टेट बीट सबके मिक्स क्वेश्चंस लेके आई हूँ हिंदी मीडियम में, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बस ये प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ नया सीरीज शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बहुत टाइम नहीं देकर हम लोग क्वेश्चन को जल्दी जल्दी डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। इस तरह के मैं बहुत सारे सीरीज लेके आऊंगी, जो कि आपके तीनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले देख लें किसने क्या क्या चीज हमने कवर किया। सी टेट यूपी टेट वीक का एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेशन है और इसे हम अभी कंटिन्यू करेंगे लगातार, जिसमें सब तरह के मिक्स क्वेश्चन होंगे सब एग्जाम के। तो सारे बच्चे सीडीपी के क्वेश्चन सारे होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट है, पेडागोजी के। सबसे पहला है, इनमें से कौन सा कारक अभिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो मोटिवेट किसको मोटिवेट करेगा? लर्निंग को मोटिवेट करता है। बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब भी अधिगम लर्निंग को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? तो जब हमारे जो लक्ष्य है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम पूरा कर सके, जो जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सके, तभी हमें अभी मोटिवेशन मिलेगा। तो यही इसका आंसर होगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका कारण हो गया तीसरा। आज सिर्फ मैं हिंदी मीडियम का क्वेश्चन लेके आई हूँ, कल से फिर मैं इन दोनों मीडियम के क्वेश्चन लाऊंगी। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक और शारीरिक। तो हमें ये याद रखना होगा कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ना, वो क्या है कि वाइगोत्स्की का कहना है कि बालक का विकास कैसे होता है? समाज के द्वारा होता है। समाज के द्वारा मतलब सामाजिक अंतःक्रिया से बालक ज्ञान अर्जन करता है। मतलब कैसे ज्ञान अर्जन करता है? सामाजिक अंतःक्रिया का क्या मतलब है? समाज में उसका परिवार भी है, स्कूल के बच्चे हैं, टीचर हैं, अगल बगल के लोग हैं, तो उन सबसे अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, तभी उसका ज्ञान अर्जन करता है। तो बालक क्या है? अपने से बड़ों और अपने से बराबर वालों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करता है, बातचीत करता है, और ये सोशल इंटरेक्शन जो करता है, इसी की वजह से उसका संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास होता है। तो इसका वाइगोत्स्की ने किस कारण को सबसे ज्यादा महत्व दिया है? तो सामाजिक कारण को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया सामाजिक कारण नंबर वन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, बुद्धि लब्धि परीक्षण में किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति का स्कोर 75 है और तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है, IQ इज इक्वल टू MA/CU × 100, ये सबको पता है। तो IQ यहाँ दिया हुआ है, IQ क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले देखें। तो IQ दिया है जो कि 75 है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है? CA दिया हुआ है, वास्तविक उम्र कितनी है? 16। ये दो चीज दिया हुआ है, अब हमें फाइंड करना है मानसिक आयु, मेंटल एज। तो वास्तविक आयु है 16 साल, जिसे हम CA कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज में होता है मेंटल एज, और IQ होता है जो बुद्धि। तो अब इसको हम फॉर्मूला में रखते हैं। तो IQ हमारा दिया हुआ है 75 इज इक्वल टू, हमें मेंटल एज फाइंड करना है, और CA दिया हुआ है 16 × 100, ठीक है। अब इसको हम कट करते हैं, इधर 75 को 25 से कट करते हैं, तो ये तीन बार जाएगा, 25 या 75, 25 जा 75 और 100, 25 4 जा 100 या 25 चौका 100।
अब क्या है, फिर इसको हम काटते हैं, ये 4 से 16 कट जाएगा, 4 टाइम 4 का 16। अब यहाँ पर क्या बचा, अब हमारे पास बचा 3/1। अगर नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो वहां 1 मानते हैं। एम मेंटल एज बाय 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ऐसे, तो हमें मेंटल एज मिल जाएगा। तो हमें क्या मिला, 12 = mental age, है ना। यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, नहीं भी लगाने से चलेगा। तो हमें क्या मिला, हमारा आंसर क्या मिला, मेंटल एज हमें मिला 12 years। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 12 years, वही सही होगा, 12 वर्ष यही इसका आंसर होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, ठीक है। कौन सा मूल्यांकन विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। तो विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब कह रहा है कि कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन, जो विद्यालय में जो मूल्यांकन होता है उसके आधार पर सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, आप बताएं। तो क्वेश्चन नंबर का ये क्या करता है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। निदान के माध्यम से क्या होता है, मतलब कि बच्चों का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके उसमें जो कमजोरी है या उनको जो दिक्कत है उसको जानकर उनको और अधिक जानने में बच्चों को मदद करते, उनकी कठिनाइयों को समझकर उनकी कठिनाइयों को दूर करके उनके अधिकम को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, जिसमें दिया गया है कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। तो ये क्या है कि सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है, जिसमें हम सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल कहते हैं, जब बच्चा अपनी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करना सीख जाता है। छोटी मांसपेशियां क्या है, जैसे हाथ, अंगुली, कलाई, ये सब की मांसपेशी जो होती है ना छोटी होती है, तो इनका प्रयोग करना, मतलब इसको करने में, उसे लिखने में, पकड़ने में, और ये बच्चा अपने फाइन मोटर सूक्ष्म गतिक कौशल का प्रयोग करता है। कूदने में नहीं, दौड़ना और चढ़ने से ज्यादा वो लिखने में, कैंची चलाने में, बटन बंद करने में, जैसी क्रिया जब वो करता है ना, तो वो सूक्ष्म गतिक कौशल या अपने फाइन मोटर कौशल का प्रयोग करता है, क्योंकि पेन को अंगुलियों से पकड़ कर उससे लिखना। तो इसमें देखिए, आप अभी जो हम पेन टैब में यूज कर रहे हैं तो ये अच्छा से नहीं चल रहा है, तो हमारी राइटिंग में असर हो जाता है। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल है, जिसमें कि पेन को सही ढंग से पकड़कर सही ढंग से लिखने की प्रैक्टिस करना, तो ये इसका आंसर होगा, लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, मनुष्य का जो विकास होता है उसे किस किस क्षेत्र में विकास किया जाता है। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेदात्मक और शारीरिक। एक बार इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, संवेगात्मक, इमोशनल और शारीरिक, फिजिकल, ठीक है। तो
हम उसकी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेदात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो इन सब ऑप्शन में मनुष्य का विकास का क्या तात्पर्य है? विकास का तात्पर्य मानव का जो मनुष्य का विकास होता है तो उससे क्या होता है कि उसके अंगों का बेहतर काम करना शुरू, उसके संरचना में बेहतर कार्य करने के लिए तो उसके कंस्ट्रक्शन में वृद्धि होती है। तो यह क्या कैसे होता है? यह वंशानुगत और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन से होता है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारा विकास का कौन कौन सा डोमेन है? पहला है भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेदात्मक और एकीकृत समग्र प्रक्रिया में विकसित किया जाता है। तो शारीरिक विकास में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में परिवर्तन होता है, शारीरिक मस्तिष्क, मोटर कौशल, स्वास्थ्य इत्यादि में वृद्धि। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है कि तर्क करने, सोचने, अनुभव करने में, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता का विकास होता है। इसमें से सीखने, भाषा, सोच, तर्क इत्यादि सब आता है। उसके बाद सामाजिक विकास में क्या होता है कि सामाजिक कौशल और मूल्य। तो मनुष्य क्या करता है कि समाज के मानदंडों के अनुसार अपना व्यवहार करना और समाज को समझना, ये सब करता है। और संवेदात्मक से विकास होता है, उसमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनको प्रबंधित करना सीखता है और दूसरे के भावनाओं को भी समझता है। इससे भावनात्मक परिपक्वता आती है। इसलिए इसका आंसर होगा शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ये चार क्षेत्रों में मानव विकास को बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा है कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा है विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो इसमें इसका आंसर है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो विकास क्रमिक होता है सही है, विकास धीरे धीरे घटित होता है ये भी सही है, लेकिन विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है ये गलत है। ऐसा नहीं होता, जन्म के समय विकास कैसा होगा किसका ये निर्धारित हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सटीक गति और प्रकृति तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है, और व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं ये भी सही है। तो विकास का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? विकास एक क्रमिक होता है, विकास में परिवर्तन होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विकास एक एकीकृत है या कोऑर्डिनेटेड है, सहसंबंध है, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास व्यक्तित्व का विकास होता है, और विकास में क्या होता है कि विकास अनुमानित होता है। तो ये अनुमानित होता है, इसलिए इसका ये आंसर जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जा रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है, शिक्षण अभिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पर्सनल ध्यान देना जरूरी है क्यों? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कि इसे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को पर्याप्त अवसर मिलता है, बेहतर अवसर मिलता है। दूसरा, बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा बताया गया है। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है कि ये व्यक्तिगत रूप से इसलिए ध्यान देना है कि हर बच्चा का विकास का दर अलग अलग होता है और वो अलग तरीके से सीखते हैं। तो शिक्षक का क्या उद्देश्य है? शिक्षक का उद्देश्य है विद्यार्थी को उचित शिक्षा देना, उचित व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना और उसके अधिगम को प्रभावित बनाना। और सीखना जो है तो ये जीवन पर्यंत चलती है क्रिया, और हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए इसमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बच्चे का विकास का दर भिन्न होता है, वो भिन्न तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मानव व्यक्तित्व परिणाम है किस चीज का? अनुवांशिकता और वातावरण की, केवल वातावरण का परिणाम है मानव व्यक्तित्व? नहीं, मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण केवल वातावरण से नहीं होता है, केवल जीन से, हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से भी नहीं होता, पालन पोषण और शिक्षा से मानव का व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, बल्कि मानव के व्यक्तित्व का निर्माण उसके आनुवांशिकता और वातावरण के इंटरैक्शन से, अंतःक्रिया से होता है। जब दोनों मिलकर अंतःक्रिया करते हैं तो मनुष्य का, क्योंकि हेरिडिटी के साथ साथ जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण का अनुकूलन या समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना या समाज में बड़ों का सम्मान करना। समाजीकरण का क्या मतलब है? समाजीकरण, किसी भी व्यक्ति का समाजीकरण तब होता है जब वो सामाजिक वातावरण में कंडीशन हो जाता है और उसमें एडजस्ट करता है। तो इसका समाजीकरण का तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में एडजस्ट करना, सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, समाज भी समाज के साथ एडजस्ट करना। क्योंकि शिक्षा जब भी वो ग्रहण करने जाता है तो स्कूल जो है वो समाज का एक अंग है, तो उसमें वहां सामाजिकरण में कंडीशन, अनुकूलन और सहभागिता सब जरूरी होती है। निम्नलिखित में से वयस्क के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारण कारक विकास को आकार देते हैं। यहाँ पर विकास लिखा है, जो ये होगा, ये होगा विकास दंत। शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि शिक्षा के बिना वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो ये क्या है? शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता। तो इसमें से कौन सा कारण निम्नलिखित में से एक अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो इसमें हमारा शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति। तो इसमें कौन कौन सा वातावरणीय कारण है? तो पहला तो शिक्षा की गुणवत्ता है ही, दूसरा है शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। शारीरिक गठन को छोड़कर बाकी सब, तो इसका आंसर होगा दो। अगला क्वेश्चन हम चले, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जब लीना उसको सीखने में बहुत समय लेती है, तो ये विकास 11 नंबर क्वेश्चन छूट गया।
ग्यारह नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, बारह क्वेश्चन। सीमा हर काम को जल्दी सीख लेती है और लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, तो यह विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है? यह व्यक्तिगत विभिन्नता को सिखाता है कि कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। सीमा किसी कार्य को जल्दी सीख लेती है और लीना उसको सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह किस चीज को दर्शाता है? तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को सिखाता है, दर्शाता है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कि सीमा और लीना दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए दोनों में व्यक्तिगत विभिन्नता है। विकास शुरू होता है, कब शुरू होता है? विकास शुरू होता है, विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसवपूर्व अवस्था से। तो विकास कैसे शुरू होता है? प्रसवपूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है, समझे? तो इसका आंसर होगा कि मां के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है। और बच्चा का वो विकास का चरण चलता रहता है। आंसर है क्वेश्चन फोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। पहला दिया है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, दूसरा है चिंतन पैटर्न, तीसरा है आंखों का रंग, चौथा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो आनुवांशिकता से संबंधित कारण क्या है जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं? तो समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति हेरिडिटी से नहीं है, सोचने का पैटर्न भी हेरिडिटी से नहीं होता है, बल्कि आंखों का रंग जो है ना, वो आंखों का रंग ही है एक ऐसा जो कि हेरिडिटी से होता है। वो जीन पर निर्भर करता है कि कैसा आंखों का रंग होगा, व्यक्ति के आंखों का रंग उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत ही लक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है और लेटर चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो पार्श्व सोच और समस्या समाधान में जो बच्चा अच्छा होता है उसे रचनात्मक या सृजनात्मक शिक्षार्थी कहा जाता है। अब सृजनात्मक शिक्षार्थी की कुछ विशेषता हम समझे। रचनात्मकता क्या है? या सृजनात्मकता है अलग ढंग से सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ मौलिक सोचना। तो सृजनात्मक व्यक्ति वह होता है जो पार्श्व सोच मतलब बहुत सारी ऑप्शन सोच सकता है, जिसमें अत्यधिक विकास और समस्या समाधान की क्षमता है, जो मौलिक और कल्पनाशील विचार बना सकता है, जो जागरूक होता है, जो जिज्ञासु होता है और जो अच्छी चीजों को तेजी से सीखता है और जिसमें विचारों का प्रवाह होता है, उसे हम सृजनात्मक विद्यार्थी कहते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस चीज में भिन्न होते हैं?
बुद्धि विकास के सिद्धांतों में, विकास के दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो व्यक्तिगत अंतर क्या होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अद्वितीय होता है और दूसरे से अलग होता है। तो हर बच्चे के पास अलग अलग क्षमता और अलग अलग व्यक्तित्व होता है और वो अलग अलग पृष्ठभूमि से भी आते हैं। तो हर बच्चे की सीखने की जरूरतें भी अलग अलग होती हैं। तो इसमें कई विकास जो है ना, कई सिद्धांत पर आधारित है। पहला है कि विकास दर में विभेदन का सिद्धांत, मतलब क्या है कि हर व्यक्ति के विकास की दर भिन्न होती है। दूसरा है अनुक्रमिकता का सिद्धांत, ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तन में अंतर होता है, कि मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिवर्तन अलग अलग अंतर होता है व्यक्ति में। सेफलोकेडल प्रवृत्ति क्या बताता है कि विकास जो है तो सिर से पैर की ओर बढ़ता है, पहले सिर का विकास होता है। इसलिए बच्चे चलना शुरू करते हैं, करने के पहले क्या होता है कि भूमि पर खड़े होते हैं, सिर पे चलने नहीं लगते हैं। प्रोसीमोडिस्टल प्रवृत्ति में क्या होता है कि केंद्र के पास शरीर के कुछ हिस्सों के उनका विकास होता है, कि पहले छोरों का विकास होता है। इसलिए पहले छोटी पहले क्या होता है कि बच्चा पहले आर्म्स का विकास हो जाता है, तब अंगुलियों का विकास होता है। तो वो मोटर कौशल या फाइन मोटर कौशल धीरे धीरे डेवलप करता है। और व्यक्तिगत अंतर होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। तो इसके अलावा और भी कई सिद्धांत काम करते हैं व्यक्तित्व के विकास में। निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्टता से सामान्यता का सिद्धांत, बातचीत का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इसलिए क्या होता है कि इससे क्या होता है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि बच्चे जो है हर व्यक्तिगत शिक्षार्थी के विकास का दर एक दूसरे से अलग होता है। हर के विकास करने का ग्रोथ का डेवलपमेंट का रेट अलग होता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग तरीके से ग्रो करता है और उसके विकास का दर अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में विशिष्ट है, इसका क्या अर्थ है? अपने आप में विशिष्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। हाँ, एक आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, लेकिन हम आगे के ऑप्शंस भी देख लें। सही बात है, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। ये नहीं, लक्ष्य समान हो सकता है, सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव ही नहीं। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी की रुचि, योग्यता और प्रतिभा एक जैसी नहीं होती है। इसीलिए हर शिक्षार्थी, हर स्टूडेंट यूनिक है, विशिष्ट है, स्पेशल है। इसका अर्थ यही हुआ कि हर बच्चा अपने आप में अनूठा है, अनोखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।